मीनाक्षी जैसी लड़की घटिया औरत हमें मवाली कह रही है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वन टू वन आके वो हमसे अगर सरकार के आज उसमें हिम्मत है, महिला सांसद है, आ जाओ वन टू वन, खुली चुनौती मीनाक्षी लेखी को, आ जाओ वन टू वन करो अगर उसमें दम है तो। क्या वजह, क्या सरकार के हाथ से बात निकल गई क्या? इतने सरकार के हाथ में बात तो कभी भी नहीं थी, सरकार तो हमारी सरकार के हाथ में कोई बात नहीं है, बात तो कॉर्पोरेट हाउस है और दो कॉर्पोरेट हाउस है, ये सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के हाथ में बात नहीं है क्योंकि जब इतना पार्टी को फंड मिल रहा है इलेक्शंस के लिए काम करने के लिए, सरकार को तो उनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, वो भी मजबूर है, कहीं ना कहीं सरकार मजबूर है क्योंकि इतना पार्टी फंड उन्होंने ले लिया है इन कॉर्पोरेट हाउसेस पे, तो अब उनका काम तो उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फंड कहाँ से आएगा, सरकार की मजबूरी हम समझते हैं। आप क्या कहोगे आज महिला संघ? जी पहले तो मैं शुरुआत करूंगी, जिन परिवारों ने अपने व्यक्तियों को खोया है, हमारे जो किसान इस लड़ाई में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को हम नमन करते हैं, हमारी पूरी सांत्वना उस परिवार के साथ है और इस सरकार से हम यहाँ इस मंच से एक गुहार लगाते हैं और हमें इसकी पूरी उम्मीद है कि जो किसान इसमें शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 50 लाख का मुआवजा और हर एक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी ज़रूर दी जाए। और इस संसद जो आज ये किसान संसद, आज हम इतने उत्साहित हैं इस कार्ड को पाकर कि आज जो हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, एक किसान पुत्री होने के नाते आज हम इस संसद में आए और अपने विचार रख रहे हैं और खुली चुनौती मीनाक्षी लेखी को है दम, अगर दम है तो सामने आज ज़्यादा दूर नहीं है। आज वो किसान परिवारों की महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, वो नारी यहाँ खड़ी है, अगर हमारे सामने करने की हिम्मत रखती है तो यहाँ पर आए। आज महिलाएं संचार कर रही हैं। हाँ जी, बहुत शानदार, आज आप हो रहा है ये, हाँ यहाँ पे पहली बार हो रहे हैं लेकिन हमें अपने मंच पर पूरा मौका मिलता है अपने विचार रखने का, हमारे किसानों के अधिकारों के हित की बात करने का। आप देखिए आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वो APMC जो मार्केट हमारी बनी थी उसको इन्होंने ख़त्म किया है, उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा देना है, काला बाजारी को बढ़ावा देना है, ये सब जानते हैं। और ये केवल किसान, आपके संसद में विपक्ष भी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो आज हमसे यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, हम सबको इन्वाइट करना चाहते हैं, जो उपभोक्ता घर पर बैठे हैं सोचते हैं उत्पादक परेशान है, नहीं, आज उत्पादक परेशान है, कल उपभोक्ता परेशान होगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। आज ये दिल्ली की बेटी, किसान बेटी गुहार लगाती है घर पे बैठे उन उपभोक्ताओं से, वो घरेलू जो औरतें आज शोषण जिनका हो रहा है वो निकल के आए, हमारी आवाज़ में आवाज़ अपनी बुलंद करें और इस नारे को बुलंद करें कि तीनों कानून रद्द हो, नहीं तो ये महंगाई की मार से कोई बच नहीं पाएगा। क्या सरकार मानेगी जो किसान संसद? 100% फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए इससे पहले हमने जैसे लिखित में दिया कि हम सरकार के साथ बात करना चाहते हैं, सरकार के साथ हमारी वार्ता होनी चाहिए, पर सरकार केवल मीडिया के माध्यम से न्योता देती कि किसान आए और हमसे बात करें, क्यों नहीं हमें न्योता दिया जाता, लिखित में आया जाता, हम प्रूफ तो दिखाएं कि सरकार ने हमें बुलाया है, ये सरकार के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। कृषि मंत्री तो अभी भी कह रहे हैं कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं, शर्तों पर बातें नहीं होती हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को और हमें लिखित में न्योता दें, बुलाएं। आज यहाँ पर हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो रखी हैं और हमारे ये सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं और हम इनवाइट करना चाहते हैं। लेकिन मैडम एक बात तो है, सरकार जो पहले दिन अपने स्टैंड पे, आज भी वही स्टैंड पे कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, पर कानून तो वापस नहीं होंगे। सर कानून वापस नहीं होंगे, वो इस चीज़ पर अड़े हुए हैं, हम भी सबसे पहली हमारी मांग MSP है, अगर वो हमारी MSP की मांग को मानते हैं तो उस पर डिस्कशन किया जाता है, जो दूसरे और कानून है, हमारी MSP की सबसे बड़ी मांग है जिसको ये हर बार ठुकराते और एक भ्रम पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता में कि हम MSP दे रहे हैं, MSP नहीं मिल रही है हमें, अगर MSP मिल रही होती तो आज हम सड़कों पे ना होते, हमने ठिठुरती ठंड देखी है, हमने ओलावृष्टि देखी है, हमने आप 50 डिग्री तक तकरीबन हमने यहाँ पर टेम्परेचर में हम यहाँ बैठे हैं, हम सड़कों पर बैठे हैं, हम भी अच्छे परिवार की महिलाएं हैं, हम अपने घरों में अपने बच्चों को देख सकते हैं, हमारा भी परिवार है, लेकिन आज हम सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं सरकार की वजह से। मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है, जन-जन ले जाने लगती है? सर ये पूरी कोशिश है और पहले से बहुत मजबूत हमारा आंदोलन हुआ है, हमारा आंदोलन हर स्टेट में, हर राज्य में फैला है,
आप देखेंगे हर राज्य से महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। पुरुषों को हम जब हमारे पुरुष यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा लेने आते हैं हम घर संभालते हैं, पर आज भी हम घर से बाहर निकल के आए हैं कि हमें भी ताकत बनना है। आज घर पर अटैक हो रहा है, महंगाई की मार हमारे हर घर पर जारी, मेरी रसोई से लेकर मेरी गाड़ियाँ, कोई ऐसी चीज़ अछूती नहीं है जिस पर महंगाई की मार ना हो। किसान आंदोलन में यहाँ 100% महिलाएं हैं। हाँ जी, लगता है कि भारतीय संसद में भी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, तभी तो भारत सरकार इस चीज़ से डरती है। आज जब हमें प्रोमिसेस दिए जाते थे कि ठीक है जब हम आएंगे, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने प्रोमिसेस किए थे कि ठीक है हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ बढ़ा रहे हैं, कितनी महिलाएं आप देखेंगे, कुछ एक महिलाएं वहाँ पर आपको नजर आएंगी। हमारी भारतीय संसद में महिलाएं आज संसद चला रही है, ये एक ऐतिहासिक दिन है। महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं ये बताने के लिए कि महिलाएं जानती हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। हम लोगों को बताना चाहते हैं क्योंकि इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे पड़ने वाला है। हम घर चलाती हैं, हम पे असर पड़ेगा। थोड़े दिन पहले तक सरसों के तेल की कीमत जो 110-120 हम ले रहे थे प्रति लीटर, अब 200 से क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण अब कंपनियों पे नहीं रहेगा, कंपनियां अपनी मन मर्जी से रेट बढ़ाती जाएंगी। सरसों किसान से बिल्कुल सस्ते में खरीदी जाती है क्योंकि खुले पदार्थों का कोई रेट उसमें मायने नहीं रखता। मैडम सरकार तो नहीं मान रही ना, सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा तो हम घर घर जाएंगे। सरकार कहती काला क्या है, हम घर घर दरवाजा खटखटाएंगे, हम घर घर जाके बताएंगे कि काला क्या है, और देश में बदलाव की लहर आएगी। थोड़े बहुत लोग हैं पेड़, इनका पेड़ आईटी सेल है, वो बोल रहा है कि नहीं मान रहे, बहुत लोग मान रहे हैं। हम घर घर जाएंगे, दरवाजा खटखटा के लोगों को बताएंगे काला क्या है, जनता हमारे साथ है, हमारा साथ देगी, क्योंकि थोड़े से दिन की बात है, जैसे उपभोक्ता पे मार पड़ेगी उपभोक्ता सड़कों पे आएगा। सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, थोड़े दिन में जब उपभोक्ता पे मार पड़ेगी सड़कों पे जनता उतरेगी और जनता इन्हें अब इनकी गति। मैडम 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे किसान, कोई बात नहीं, आजादी की जंग 100 साल चली थी, कोई बात नहीं, हम 8 महीने में थकने वाले नहीं है, हारने वाले नहीं है। जितना लंबा चल रहा है उतने लोग जुड़ रहे हैं, उतना यूथ जुड़ रहा है उतने लोग जुड़ रहे हैं, चलने तो हम डरते नहीं। आखिर मान क्यों नहीं रही किसान, क्या आपको किसान नहीं समझ रहे? ये उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि हमें किसान नहीं समझ रही है। इस आंदोलन में केवल किसान नहीं, किसान के बच्चे जुड़े हैं। इस आंदोलन में वो जुड़ा है जो रोटी खाता है, जो किसान का ऋणी है, जो रोटी खाता है, वो इस आंदोलन में जुड़ा है। कि सरकार के माने हमें सरकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो हमें। आज महिला यहाँ पर किसान संसद चला रही है, एक भारतीय संसद है जहाँ पर एक महिला मीनाक्षी लेखी, उन्होंने आपको मवाली कहा था, ये उनकी अपब्रिंगिंग को दर्शाता है। वो मवाली किसान को कहते हैं घर जाके रोटी कैसे खाई उस औरत ने, उस औरत ने रोटी कैसे खाई जो हमें किसानों को मवाली कह रही है, घर जाके रोटी खा ली उसने, उसे शर्म आनी चाहिए। उसकी मानसिकता इस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, लोग देख रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है ये पार्टी की मानसिकता कैसी है, पूरी जनता देख रही है। एक किसान जो अन्नदाता इस देश में जिसको कहा जाता है, अन्नपूर्णा माँ की पूजा होती है।